भेड़िया एक बहुत ही यूनिक फिल्म है इंडियन सिनेमा के लिए। मैंने इस फिल्म को काफ़ी इन्जॉय किया एंड आई फील फाइनली वी हैव अ वेयरवुल्फ फिल्म विच हैज़ बीन डन राइट। इट्स ओके इफ यू फाउंड द फिल्म एवरेज और अनलाइकेबल, बट लेट्स जस्ट से कि फिल्म अपने वर्ल्ड को ट्रू रहती है और कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करती है। जब मैंने भेड़िया देखी देन आई रियलाइज कि ये फिल्म देखने में तो बस एक कॉमेडी फिल्म है, बट इट गोज वे डीपर देन यू थिंक। माय नेम इज विशाल और इस वीडियो ऐसे में मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दूंगा फिल्म को लेके, जो शायद आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दे इस फिल्म को समझने में। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, भेड़िया इज एक्चुअली अ डीपली लेड फिल्म। ऑल्सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो में थोड़े माइल्ड स्पॉयलर्स भी होंगे, सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो फिल्म देखने के बाद ही देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन वर्सेस नेचर कॉन्फ्लिक्ट की। फिल्म में मैन वर्सेस नेचर का कॉन्फ्लिक्ट एस्टैब्लिश किया जाता है पहले सीन से। इफ यू सी द कैरेक्टर ऑफ भास्कर, वो एक सिटी बॉय है जो चीजों को एक बिजनेस की तरह देखता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जंगल में कितने पेड़ कट रहे हैं, गांव वालों की लाइवलीहुड का क्या होगा उसे कोई आइडिया नहीं है। सो इससे पता चलता है कि वो कहीं से भी इस जगह के बारे में नहीं सोचता है, उसे बस अपनी रोड बनानी है और अपना फायदा देखना है। वरुण के कैरेक्टर के थ्रू हमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट एक इंसान को किस तरह का बना देता है। वही फिल्म में दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करो तो नेचर कंटिन्यूअस रहती है, ऑब्वियसली बिकॉज द फिल्म इज अबाउट नेचर एंड द जंगल, एंड एट द सेम टाइम एनिमल्स की अपीयरेंस भी आपने देखना कि बार बार वो आते रहते हैं कहीं ना कहीं से। मुझे ऐसा लगता है कि हियर द डायरेक्टर इज ट्राइंग टू टेल अस कि इंसानों से पहले ये जगह इनकी थी, दैट इज व्हाई इट इज शोन कि भेड़िया ही जंगल का रखवाला है। इसके अलावा आप नोटिस करना कि विलेज का नाम जीरो है, विच वी ऑल नो इज अ फेमस विलेज फॉर इट्स कल्चरल हिस्ट्री एंड ऑब्वियसली नाउ फॉर म्यूजिक फेस्टिवल्स। बट आई ऑल्सो थिंक जीरो विलेज को फिल्म में दिखाने के पीछे भी एक डीपर मीनिंग है। जीरो ZIR कह लो या ZERO कह लो, इट मीन्स शून्य। दिस एक्सप्लेन्स कि जीरो विलेज इज अ न्यूट्रल लैंड वेयर एवरीथिंग इज एट बैलेंस। इट्स लाइक यू नो इन अ जेन मोड सिचुएशन। बाय द वे, जेन का मतलब भी बुद्धिज्म में जीरो होता है। काफी ज्यादा फिलोसफी हो गई राइट, बट मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि भास्कर जब जीरो विलेज में आता है तो उसके आने से ही सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, और मुझे लगता है कि वहां से ही फिल्म में मैन वर्सेस नेचर का कॉन्फ्लिक्ट एस्टैब्लिश होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, कमेंट्री ऑन द नॉर्थ ईस्ट। फिल्म में दिखाया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कैसे स्टीरियोटाइप्स जुड़े हुए हैं और उनके कम्युनिटी के इश्यूज क्या हैं। फिल्म में कई सिचुएशंस आती हैं जहां स्टीरियोटाइप्स के थ्रू ह्यूमरस सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जोक्स मारते हुए। काफी स्मार्टली ये जोक्स फिल्म में ऐड किए गए हैं विच डोंट लुक प्रीची, बट एट द सेम टाइम डेफिनेटली वो आपको हंसाते हैं। वैसे डोंट यू ऑल्सो थिंक कि वी लाफिंग एट रेसिस्ट जोक्स एक्सप्लेन्स कि हाउ एक्चुअली शैलो वी आर? दिस इज एक्चुअली समथिंग टू थिंक अबाउट। एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भेड़िया साइलेंटली वर्क्स एज अ सोशल सटायर, जो बहुत अच्छे से आपको दिखाती है एक इनसाइडर और एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव। हम एज ऑडियंस एक तरह से इस फिल्म में आउटसाइडर्स हैं, जो उनके मेनलैंड से जुड़ना तो चाहते हैं बट उन्हें हम कभी समझना नहीं चाहते। हम उन्हें एक सामान्य नहीं देखना चाहते, ना उनकी प्रॉब्लम्स को जानना चाहते हैं। हम उन्हें उसी स्टीरियोटाइप नज़र से देखते हैं और वहां जाके भी हम यही चीज़ करते हैं। फिल्म में भी अगर आप देखो तो भास्कर और जाना आउटसाइडर्स हैं और उनकी कॉन्वर्सेशंस कहीं ना कहीं हमारे पूरे इंडिया को सिंबलाइज करती हैं, जिस तरह से ज्यादातर लोग नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न कॉमेंट्री मेरे ओपिनियन में फिल्म में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश की गई है। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक इम्पॉर्टेंट मेटाफर जो एक डायलॉग के थ्रू दिखाया जाता है, और ये है द विषाणु मेटाफर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है फिल्म का, जहाँ भास्कर कहता है विषाणु हम हैं। विषाणु का मतलब फिल्म में बताया गया है कि वो जानवर उन सब को मार देगा जो भी जंगल को डिस्ट्रॉय करेंगे। दिस डायलॉग एक्चुअली ट्राइज टू एक्सप्लेन अस कि जो जानवर इंसानों को खा रहा है वो मॉन्स्टर नहीं है। जो इंसान उस जंगल को खत्म कर रहे हैं, उन जानवरों को चोट पहुंचा रहे हैं, वो रियल मॉन्स्टर्स हैं। भेड़िया चाहे लोगों के लिए एक विलन बन जाए क्योंकि वो लोगों को मार रहा है, बट एक तरह से वो जंगल का हीरो है, वो प्रोटेक्टर है। वो तभी इंसानों को अटैक करेगा जब उसके घर को कोई तोड़ने आएगा, और सेम रिएक्शन हमारा होगा एज ह्यूमंस जब हमारे घर में कोई ट्रेसपास करे। हम सभी को कहीं ना कहीं अपना घर प्रोटेक्ट करना है। आपको भी समझना होगा इस तरह से कि अगर फॉरेस्ट कटेंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? वो अपना घर, अपनी रेलेवेंस खो देते हैं,
उनका खाना पीना नेचर सब बदल जाता है क्योंकि किसी इंसान ने उनके जंगल को खत्म कर दिया और उसी जानवर को फिर इंसानों की दुनिया का पार्ट बनना पड़ता है जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक और ग्रीड से भरी हुई है, केमिकल प्रोन है। एक तरह से उनके लिए एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और इसी बैलेंस के खराब होने की वजह से दुनिया में डेडली वायरस क्रिएट होते हैं। कृति का कैरेक्टर भी फिल्म में यही चीज बताने की कोशिश करता है कोविड के एग्जाम्पल के थ्रू कि कोविड भी इंसान की वजह से ही आया था क्योंकि उसने ही जानवरों के इकोसिस्टम को इम्बैलेंस किया। अगर आप सोच के देखो तो ये बात कितनी डीपली एक कॉमेडी फिल्म में कह दी गई जो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में ही एक पावरफुल रियलिटी चेक देती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्त्री यूनिवर्स। फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक हैं और आपने उनकी लास्ट फिल्म स्त्री तो डेफिनेटली देखी होगी जो एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म थी। स्त्री का यूनिवर्स भी भेड़िया से जुड़ा हुआ है बिकॉज दोनों फिल्म्स में जनार्दन यानी कि अभिषेक बनर्जी का कैरेक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिक स्टफ तो आप सबको ही पता होगा पर क्या आपने एक चीज नोटिस की दोनों फिल्म्स में? फिल्म का नैरेटिव में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। स्त्री में भी दिखाया जाता है कि आदमियों को एक औरत हॉन्ट कर रही है और सिमिलरली भेड़िया में भी यही होता है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू से एंड स्पॉइल द एंडिंग्स बट आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि इस फिल्म का नैरेटिव आगे जाके कैसा होगा जब ये दोनों फिल्म्स मिलेंगी। आपके जो इस यूनिवर्स को लेके ओपिनियंस हैं या जो आप फिल्में देखना चाहते हैं आगे वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई रियली वांट टू सी व्हाट पीपल आर थिंकिंग ऑफ द स्त्री वर्स। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था, सच्चा प्यार। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो योर थ्योरीज एंड हिडन रेफरेंसेस अराउंड भेड़िया कि आपने क्या क्या नोटिस किया एंड व्हाट द फिल्म मेंट फॉर यू। मैं नेक्स्ट वीक दोबारा एक वीडियो ऐसे लेके आऊंगा। टिल देन कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर वीडियो ऐसे लाइक दीज़।